राजस्थान के अजमेर में राजकीय विधि महाविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी के नेतृत्व में लॉ कॉलेज इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर की सीमा ज्ञान और चार दीवारी निर्माण के लिए अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन दिया। एबीवीपी इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने कहा कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लॉ कॉलेज इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने अजमेर कलेक्टर महोदय से मुलाकात कर बताया कि एबीवीपी ने कई बार यह मांग की, परंतु महाविद्यालय का सीमा ज्ञान और चार दीवारी का निर्माण कार्य आज दिन तक नहीं हो पाया, जिसके कारण अराजक तत्व और आवारा पशुओं से परिसर में दहशत का माहौल बना रहता है। इस पर कलेक्टर महोदय ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि इस मामले को संज्ञान में लेकर इस हफ्ते में इस पर कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि लॉ कॉलेज पूर्व में जीसीए में संचालित था, परंतु 8 वर्ष पूर्व लॉ कॉलेज एमडीएस विश्वविद्यालय के पास आवंटित जमीन पर बने भवन में स्थानांतरित कर दिया, परंतु आज दिन तक इसकी चार दीवारी तक का निर्माण नहीं हो सका, जिसके कारण अराजक तत्व आवारा पशुओं से परिसर में दहशत का माहौल बना रहता है। इस संबंध में एबीवीपी ने पूर्व में भी एक बार ज्ञापन प्रदर्शन द्वारा प्रशासन को अवगत करवाया था। इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से महाविद्यालय के विद्यार्थी और अभिभावकों में आक्रोश है। भारतीय विद्यार्थी परिषद के लॉ कॉलेज इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर साहब से बात करी है, मुलाकात की है। इसमें हमने ये मांग रखी है कि लॉ कॉलेज में जो सीमा ज्ञान कई वर्षों से नहीं हुआ है और चार दीवारी का निर्माण नहीं हुआ है, इसको लेकर हमने कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है। उन्होंने मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि हम एक हफ्ते के अंदर इस पर कार्रवाई करेंगे। और हमने पहले पूर्व में लॉ कॉलेज में ज्ञापन दिए थे, प्रदर्शन दिए थे, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद में हमने यहाँ पे आज कलेक्टर महोदय से बात की है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी। इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी, एबीवीपी।